भारत में लगभग 3 लाख ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 750 ग्राम पंचायतों को पंचायत भारत जन योजन अभियान के तहत चुना गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के डोईवाला ब्लॉक की रानी पोखरी ग्राम पंचायत का चयन इस अभियान में किया गया है। वहीं इस अभियान के अंतर्गत गांधी जयंती के मौके पर रानी पोखरी ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सम्मानित करने के साथ ही उनकी राय शुमारी भी ली गई। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पंचायती राज सलाहकार एम जाफर ने बताया कि 75 वर्षों में ग्राम पंचायतें कितनी विकसित हुई हैं, इसको लेकर भारत सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं ग्राम प्रधान सुधीर रतूडी ने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत बुजुर्गों के सम्मान के साथ साथ पंचायतों की और विकसित किया जा सके, इसके लिए आज राय शुमारी की गई है। इससे निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों और भी विकसित हो सकेंगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हमारे जो है 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हमारा एक पंचायत को कहा था कि आज विशेष ग्राम सभा का एक चयन हुआ है, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 75 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को सम्मान करें पंचायत तरफ से, तो आज हम लोगों ने वो किया है। और आज हमने एक आम बैठक रखी है, दिल्ली बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने लोगों को बुला के लोगों की पंचायत के को और आगे बढ़ाएं, पंचायत का विकास कैसे हो, पंचायत की क्या समस्याएं हैं, सब चीज़ के बारे में चर्चा करी। इन चीज़ों को हम लोगों ने आज रखा है। आज हमें आज़ाद हुए 75 ईयर से ज़्यादा हमें हो गए हैं, और भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हर पंचायत में हमारी 3 लाख के करीब पंचायतें हैं, उनमें से 750 पंचायत पूरे भारत में चुनी गई हैं, जिसमें से 9 पंचायतें हमारे उत्तराखंड में भी हैं। और गढ़वाल मंडल में हमारी रानी पोखरी ग्राम पंचायत जो है ये एक मॉडल पंचायत के रूप में काम कर रही है, और इसमें भी ये प्रोग्राम रखा है। और एट 11th आवर जो है इसमें घोषणा की गई कि भाई रानी पोखरी में वो भी इसमें प्रोग्राम में शामिल किया जाए।